जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए, क्या नाम है आपका? सिया दुलारी। क्या मामला है? ये मामला है कि ये जब ते परेशान करे हैं, एक बार थाने जा चुकी लक्ष्मी। अच्छा। एक बार आपकी कौन है? बहु। अच्छा। वो एक बार थाने गई, 300 नंबर डायल की नहीं, उसके डर के वजह से हम यहाँ पड़ी हैं। और फिर भी झूठी अरजोब सबको लगा फंसाना चाहती है, बड़े लड़का के भी फंसाना चाहती है, बड़ी बहू के भी फंसाना चाहती है। और सब जब हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है तो ये सप्तन भी ऑफिस में दौड़ दौड़ लगा रही है। प्रशासन ने आपकी नहीं सुनी, तभी आपने लगाया क्या? हाँ, तब हम लगाया। अच्छा। और जो लड़के के जो अभी लड़का आपका गंगावरण जो आया था, तो उसको सूचना कैसे मिली आपको? हमका पता मिला कि कूदने जा रहे हैं। हाँ, तब पता मिला हमको कूदने जा, तब हम आए। अच्छा। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार निषाद। कौन सा क्षेत्र है? कोना थाना, पुराना कानपुर। क्या मामला है? हमारे वाइफ शादी पहले किसी के साथ भाग गई थी, महेश नाम के लड़के के साथ। सन 2013 में मेरी शादी हुई, उनकी मौसी ने हमारी शादी कराई, जिसके कारण से वो लड़के को हमारे घर बुलवाती थी और हमको जान से मारने की साजिश रची जा रही है, हमारी संपत्ति हड़प करना चाह रही है। तो आपने कहाँ न्याय के लिए गौर लगाई थी? हमने कमिश्नर ऑफिस में दिया, DM ऑफिस में दिया, और कोर्ट जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो कोना थाने से हमको बोला गया कि आप कोर्ट जाओ। तो न्यायालय में हमारा मुकदमा भी चल रहा है, पहली दिसंबर हमने अगस्त में मुकदमा दायर किया है, जिसकी पहली तारीख हमारी पड़ी थी नवंबर में, 10वां महीना 6 तारीख, फिर उसके बाद दिसंबर में पहली दूसरी तारीख आई, 3/12 की, फिर 9/12 की आई, फिर जनवरी 25 है, लेकिन वो कोर्ट में ना आके हमको पुलिस प्रशासन द्वारा से परेशान कर रही है।